ये क्या है? हेलो भाई लोग, क्या हालचाल यार। मैं आ चुका हूँ पबजी मोबाइल के एक और नए वीडियो के साथ में। गेम प्ले तो नहीं है, खैर ये पापन आज का रॉयल पास चेकआउट करेंगे। आज नया रॉयल पास आया। अब जिस हिसाब से इन लोगों ने ना मतलब कि वीडियोस वगैरह डाली थी या इंस्टा पे जैसा जो इन्होंने स्टोरी वगैरह डाली या पोस्ट वगैरह डाले थे, उस हिसाब से तो मेरे को बिल्कुल कचरा लग रहा है। मतलब कि बिल्कुल कचरा लग रहा है, क्या बोलूँ मैं अब इसके बारे में। तो फिलहाल अपन चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि सही में कचरा है या फिर सिर्फ मेरे को लगा था ऐसा। बाकी तो अब देखने के बाद पता चलेगा कि कैसा क्या सीन है। तो अपन चेकआउट करते हैं आरपी और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो क्लिक करते हैं आरपी पे। अबे क्या सब्जी मंडी लगा रखी है क्या? होया क्या तुम्हारा? नहीं मतलब हो गया क्या? नहीं क्या था भाई, मतलब ये किस हिसाब से था? मतलब किसी अपन रेस्टोरेंट में थे शायद, पता नहीं क्या क्या बोलूं मैं। खैर चेकआउट करते हैं कि क्या सीन है। तो करना परेशान हो गए हम लोग। तो देखो भाई, पहले आरपी के अंदर तो ये है। ये चुपिया कौन है? क्या है भाई ये, क्या बताएं भाई इसके बारे में। कैसी लग रही है भाई आप लोगों को ये वाली पहली आरपी? चलो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है। मतलब 10 में से कितना, 7 6 बस ठीक है ये है। फिर उसके बाद कहे कि क्यूबीजी की स्किन है, इसको देखते हैं क्या है। क्यूबीजी की स्किन देखो भाई, किसी ने अपने पजामे का नाड़ा खोल के बांध रखा है इस पे। गजब बेइज्जती है। यह तो इसमें एक कपड़ा टिक रहा था और ये तो लग भी ऐसा रहा है कि मतलब किसी का कच्चा बंधा हुआ है इसके अंदर और इसको टिकाने के लिए इसके ऊपर नाड़ा बांध दिया। भाई बहुत ही बढ़िया, क्या दिमाग लगाया भाई, गजब। बाकी ठीक है, अगर ये कपड़ा वपड़ा नहीं होता, ब्लैक कलर में काफ़ी सही लग रही है स्किन मेरे को वैसे, अगर कलर वाइज देखा जाए तो ठीक है। बाकी इसके साथ का इसका हेलमेट भी होगा शायद, ये है ठीक है। अच्छा ये है जनाब, कुछ ऐसा दिखते हैं ये। सिर पे टॉयलेट पेपर पटक रखा है इसके किसी ने। और क्या है भाई, पर्दे में रहने वाला बंदा है कोई। और इसके यहाँ दूध की बोतल है, ये दूध की बोतल बेचता है कि ये साथ में। भाई क्या ही है भाई, क्या कहें इसके बारे में। खैर ठीक है, ये वाली तो ऐसी ही ठीक है, पहली आरपी की है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। और यूसी है, कचरा है, कचरा है, यूसी है फिर। और ये है बैग की स्किन, बैग ये है इसके अंदर। दिखाओ भैया क्या है इसके अंदर। ऊपर ग्रेनेड पटक रखे और नीचे सब्जियां पटक रखी है, मतलब कि आप आतंकवादी और सब्जी खरीदने वाले दोनों एक साथ बन सकते हो। खरीदने वाला है बेचने वाला है पता नहीं, लेकिन जो भी है इसके साथ में सब्जियां भी है और ग्रेनेड भी है। तो आपके पास अगर ग्रेनेड कम पड़ जाए तो आप सब्जियां उठा के फेंक सकते हो बंदों के ऊपर। तो काफी सही चीज है, मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं बेकार लग रहा है मेरे को, बहुत ही बेकार लग रहा है भाई सही में। इसके आगे क्या है, कचरा कचरा यूसी और फिर पैराशूट की स्किन है। पैराशूट की स्किन से ना भाई आज तक कोई उम्मीद नहीं रही है मेरे को, क्योंकि बेकार ही आता है। तो इस बार भी ऐसा ही है बेकार सा, वैसे ही लगा लो उड़ लो और कुछ ही नहीं है भाई। पैराशूट की स्किन आती है जब जब है ना कोई एक सूट आता है उसके अंदर निकलती है कोई ढंग की पैराशूट की स्किन, और फिर उसके बाद तो भाई वो तो अमीरों की चीज़ है, अपन तो सिर्फ यही देख सकते हैं भाई गरीबों वाली चीज़। ठीक है ये भी फ्री में मिल रही है तो चलो कोई नहीं। यहाँ यूसी मिल रहा है ठीक है, यहाँ ये इमोट है। अच्छा ट्विस्ट डांस जिसमें बस ये भाई साहब कमर हिला रहे हैं। अच्छा भाई ये वाला डांस है इसके भाई, इनकी ज्यादातर रिमोट के अंदर है ना मेन जो इनका क्या बोलते हैं वो बोलते हैं ना, हर एक चीज बोलते हैं ना, की मूव जो बोलते हैं ना, देखो ये है मतलब कमर हिला लो और वो आपका इमोट हो गया।
खैर जो भी है ठीक है, इमोट फिर भी ठीक है, मतलब वैसे भी इमोट अपन फन के हिसाब से यूज़ करते हैं तो ठीक है। ये अपना शायद अवतार हो गया, ठीक है। कचरा 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 कचरा, इसके बाद आया प्लेन की स्किन। प्लेन की स्किन देखो भाई इनकी, भाई आजकल बच्चे इससे ज़्यादा बढ़िया ड्राइंग करते हैं। अगर आप प्लेन की स्किन को दो ना कोई पेपर में प्लेन बना के उस पर बोलो कि इस पर कलर करो, तो वो इससे ज़्यादा बढ़िया करके देंगे। भाई इस पर देख के लग रहा है कि इन्होंने इस पर कोई मेहनत करी है। नहीं क्या ही है यार, पबजी वालों क्या हो गया तुम लोगों को है? प्लेन की स्किन मतलब चलो, अब बंदे एक बार को शर्माएंगे भाई हार भी पूरी करने में कि भाई ऐसी प्लेन की स्किन के साथ उड़ना पड़ेगा। खैर जो भी, बढ़ते हैं आगे। कचरा कचरा यूसी, ये क्या है? लगता है पबजी वाले मेट गाला जाके आया। तो देखो भाई क्या ही ड्रेस कोड निकाला इन्होंने, इतना बेकार सा। भाई चीता बन के किसको घूमना, भाई जंगलों की सफारी में ले जा रहेंगे भाई ये लोग। यार मतलब कि है ना, आरपी से उम्मीद रखना छोड़ दो। मतलब पबजी वाले ये कह रहे हैं, मतलब सीधी सीधी बात है कि भाई आरपी तुमको टट्टी मिलेगी तो यही रहो तुम, तो मत रखो उम्मीद। ठीक है, उसके बाद यूसी है। और ये रूम कार्ड भाई, अब तो 7 डे रूम कार्ड भी तक नहीं मिलता है भाई इसके अंदर आरपी में। ये क्या पत्ता गोभी? मैंने कहा था ना भाई पत्ता गोभी फेंक के मारो बंदों के ऊपर, ग्रेनेड तो फटने से रहा। ग्रेनेड वैसे भी फटते नहीं है भाई लोगों के, तो चलो क्या पता पत्ता गोभी से नॉक हो जाए बंदा। दोबारा से एक इमोट है, क्या कर रहा है ये? दोबारा दिखा भाई ऐसे। अगर कोई बंदा अगर किसी को फ्रेंच फ्राइज देने लग गया ना, जो उसके जूते पड़ेंगे सही में। खैर जो भी है, मतलब ठीक है, अभी यार क्या करें, इसका तो इमोट है। आरपी कार्ड है, यूसी है, कचरा है, कचरा है, ये क्या है भाई? AWM के ऊपर ना ये वाली स्किन लगा गया ना इन्होंने, AWM की इज्जत की पूरी माबन कर दी सही में भाई। देखो पता ही नहीं चल रहा कि AWM है ये, इतनी बेकार स्किन भाई। और इसका टेक्सचर देखो कितना गंदा लग रहा है भाई, कितना गंदा भाई। और नाम देखो उन्होंने क्या लिया है, विदरिंग डेथ। अच्छा भाई ऐसी AWM की स्किन लेके जाएंगे ना, बंदे ऐसे बोलेंगे कि ले यहाँ चला गोलियाँ यहाँ। अबे इसकी इतनी गंदी स्किन। आगे देखते हैं क्या है। यूसी है, यूसी है, ये काय की स्किन है? M1 की स्किन है भाई, M1 की स्किन दी है इन्होंने। 8-10 जो पेंट बकेट होते हैं ना उसको लेके ऐसे ढोल दिया इसके ऊपर भाई, मतलब क्या। और पीछे पत्ता को भी भाई, मतलब हर चीज में इन्होंने ना पत्ते लपेट रखे हैं सही में। इसके ऊपर भी पत्ते लपेट रखे हैं और स्किन पूरी ऐसी कर रखी है। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? इम्पाला। अच्छा वो सहनौक में शायद कुछ जगह आती है इम्पाला। क्या कर सकते हैं भाई, अब जो है वो है, तो फिलहाल यही है। अब देखते हैं आगे और क्या है। 40 RP तक तो आ गए और अभी तक एक भी ढंग की चीज़ नहीं दिखी भाई, एक भी। आगे देखते हैं फिलहाल। यूसी है, कचरा है, यूसी है, कचरा कचरा, आखिरी वाले कचरे देखते हैं क्या है। हाँ ये भाई साहब नाच रहे थे वीडियो के अंदर काफ़ी देर से, उछल उछल के। और अच्छा ये इसका सिर पे ही हिलता है, ये बहुत अच्छी चीज़ करी भाई इन्होंने, बहुत ही शानदार। एक जगह मेहनत कर ली इन लोगों ने। अबे साले तो भाई ये है इसकी टोटल 50 RP, और एक तरीके से आप कह सकते हो पूरा कचरा RP। इससे पहले मैंने एक भाई, इससे जो पहले जो सीज़न आया था ना, इतनी शानदार RP आई थी, उसके अंदर M24 की स्किन भी थी भाई। सही बता रहा हूँ, मैं गेम खेल नहीं पाया था उस वाले सीज़न में ढंग से, वरना मेरी RP अगर हो जाती है ना उसके अंदर, तो मैं RP परचेज कर लेता सिर्फ उस M24 की स्किन के लिए। वो बहुत सही लगा था मेरे को, और उसमें RP की ड्रेस भी काफ़ी सही थी। अभी जो आया इन्होंने दोबारा कचरा कर दिया, और इससे पहले से पहले जो RP आई थी वो भी कचरा थी। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इन्होंने कचरा पार्ट 2 करा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ठीक है, तो RP में मतलब इस बार कचरा ही है पूरा। अब जिसको कचरा पसंद है वो RP लेगा, और जिसको नहीं पसंद भाई वो तो वेट करो अगली RP आने का। और क्या इसमें इमोट सही है, बस इमोट सही लगा मेरे को, और कुछ भी नहीं भाई, क्या कह सकते हैं अब इसके अंदर। ठीक है भैया, RP अपन तो लेने वाले हैं नहीं। बाकी आप लोगों को RP की स्किन कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगाओ, अच्छा लगाओ तो लाइक मत करना। अगर RP की स्किन मेरी तरह बेकार लगी हो ना, तो भाई लाइक ज़रूर ठोक देना वीडियो पे, और शेयर ज़रूर कर देना ठीक है। और देखते हैं और क्या है इसके अंदर। सीज़न में भी कुछ मिलता है ना अपने को, ये मिलता है सीज़न में ठीक है। अपन इसका रिवॉर्ड्स देखते हैं कहाँ मिलता है।
कहाँ देखते हैं इसके रिवॉर्ड, यहाँ देखते हैं क्या। ये ड्रेस फिर भी बेटर लग रही है यार, मतलब आरती के अंदर जो ड्रेस आई है ना उससे काफी बेटर ये लग रही है। ये इतनी खास नहीं है, दोनों तरफ इसने अपने छातियों पे वो लगा लंच बॉक्स लटका रखे हैं शायद, या पानी की बोतल। ये क्या है भाई, नारियल छीलने वाली चीज़ें भाई क्या है। लेकिन जो भी है भाई, ये थोड़ी बेटर लग रही है उससे। ये अपने को मिलेगी गोल्ड पे आने पे, ठीक है। और ये क्या है, इसकी टोपी है शायद। अच्छा, तो मतलब इन लोगों ने शायद पूरा कुकिंग के ऊपर पूरा निकाला है, तभी ये शेफ बना हुआ है। और बाकी सारे सामान भी, पत्ता गोभी और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और क्या है इसमें, ग्रोजा की स्किन भाई साहब, ये बहुत ओपी लग रही है भाई इस सीज़न में ना, मतलब ये बेस्ट चीज़ है। अब इस पर भी इन्होंने, इसमें इन्होंने पत्ता गोभी टमाटर वमाटर काट रखे हैं, लेकिन ये बढ़िया लग रही है, ये बढ़िया लग रही है एकदम। तो ये चीज़ तो सही है, ये तो खैर अपन को रैंक अप करके मिल जाएगी आराम से, डायमंड टीयर तक तो हर कोई पहुंच जाता है अगर लोग खेलने वाले हो तो। तो ये चीज़ तो सही है, ठीक है, बढ़िया है। एस वेस तो अपने काम की चीज़ ही नहीं है भैया, अपन को जाना ही नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। बाकी बढ़िया, डायमंड तक आ जाओ, ग्रोजा की स्किन निकालो और बस ऐश करो और क्या। तो यार बस यही था आरपी के अंदर, कैसी लगी आप लोगों को आरपी की वीडियो, ये मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, एंड कमेंट करके बताओ कि आप लोग आरपी लोगे या नहीं। और फिर देखते हैं कि अपना तो वैसे कोई प्लान है नहीं इस बार आरपी लेने का, अपन तो नेक्स्ट आरपी का वेट करेंगे। तो गाइस आप लोगों को कैसे लगी ये वाली वीडियो मेरे को कमेंट में जरूर बताना यार। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।